लगाओ कुछ भी लगाओ अपने कार्यकर्ताओं को बोलते हैं, उनको ये नहीं पता है ये भगवान राम का क्षेत्र है, यहाँ भर्जुना माता का दंड और कामतानाथ जी का बम चलता है, यहाँ आपका साम दाम दंड भेद कुछ चलने वाला नहीं है। आप समझ लीजिए अभी जब इनके हार इनको दिखने लगती है, मन में छटपटाहट दिखने लगती है, तो 7 से 8 बार रैगांव क्षेत्र में दौरा करने आते हैं और मंच से सफाई देते हैं खड़े होके कि चश्मा बाल में फंस गया था। अरे चश्मा अगर बाल में फंस गया था तो बोलते बहन चश्मा निकाल के हमको दे दो। आपने अपमान किया है इस क्षेत्र की बहनों का, आपने अपमान किया है पूरे जिले की बहनों का, इसीलिए रैगांव क्षेत्र के लोगों ने भी एक महाभारत का ऐलान किया है और उस महाभारत का रिजल्ट आपको दिखाई देगा। आपको पता होना चाहिए हमारे क्षेत्र में अगर बहनें सियानी हो जाती हैं, बहनें बड़ी हो जाती हैं, तो ना तो उसके बाल के छूने का अधिकार उसके भाई को होता है, ना तो उसके पिता को होता है। इस अपमान का बदला इस रैगांव क्षेत्र की जनता लेगी। आप सब लोग बदला लेने के लिए तैयार हो तो हाथ उठा के मेरा साथ दीजिए। भर्जुना माता का दरबार है, ऐसे ही हाथ मत उठा दीजिएगा। अगर अपमान का बदला नहीं लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, ये माता का दरबार है। आप लोग समझ लो इनके पाप के घड़े कितने तेजी से भरे हुए हैं, इसीलिए छटपटाहट है, इसीलिए घबराहट है। दिल्ली से मंत्री बुला रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री, जिन्होंने किसानों की हत्या करा दी वो यहाँ वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। लखीमपुर खीरी में किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ाते हैं और रैगांव में आके किस मुंह से वोट मांगने चले आते हैं, वो वोट मांगने आ रहे हैं। इनको सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि इनके ऊपर एक दो पाप नहीं है, अनगिनत पाप है। पाप उन किसानों का है जिन किसानों का 1 लाख रुपए का कर्जा हमारे कमलनाथ जी माफ करने वाले थे, वो पाप उनके ऊपर है। उनके ऊपर पाप है, उनके ऊपर पाप है उन बहनों का, उन माताओं का जिनका 51,000 रुपए शादी की व्यवस्था कमलनाथ जी ने करी थी। इनके ऊपर पाप है उस गौ माता का, जिस गौ माता के नाम पे आपने 15 साल तक सिर्फ वोट मांगा है, आज वो दर दर की ठोकर खा रही है, रोड में मरी मिलती है। उस गौ माता का भी पाप उनके ऊपर चढ़ा है जिसकी गौशाला कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार बना रही थी। आप देखो युवाओं की बात करते हैं, लोकल से वोकल की बात करते हैं, अगर लोकल से वोकल की बात करते हैं तो 15 साल में रैगांव क्षेत्र के कितने युवाओं को सीमेंट फैक्ट्री में नौकरी मिली है, इस सवाल का जवाब दे दे। यहाँ का युवा दर दर की ठोकर खा रहा है, दर दर का भटक रहा है, इस युवाओं का पाप भी चढ़ा हुआ है। आप देखिए कि जैसे जैसे शिवराज सिंह चौहान साहब का दौरा रैगांव क्षेत्र में होता है, वैसे वैसे डीजल के दाम भी बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे दिल्ली में बैठे नेताजी की दाढ़ी बढ़ती है, वैसे वैसे पेट्रोल भी 118 रुपए लीटर हो जाता है। कहते हैं कि हम बहनों की आंखों में आंसू नहीं आने देंगे, कहते हैं हम बहनों की आंखों में आंसू नहीं आने देंगे, गैस का सिलेंडर देंगे। अरे गैस का सिलेंडर जो कांग्रेस की सरकार में 350 रुपए का मिलता था, उसको 1,000 रुपए में देके किस तरह से तुम बहनों की आंख का आंसू पोछना चाह रहे हो, तुमने पाप किया है। जब किसी माँ के घर में कोई बिटिया के घर का ससुराल से आ जाता है तो उस माँ की आंख में सिर्फ आंसू आता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 1 लीटर सरसों का तेल है, वो सरसों के तेल को उसको 1 महीना चलाना है। उस अम्मा की आंसुओं का बदला भी हमको 30 तारीख को कल्पना वर्मा के रूप में लेना है और कांग्रेस को वोट देना है। आप समझ लीजिए ये कोई सत्ता बदलने वाली सरकार नहीं है, इस चुनाव से कोई मुख्यमंत्री बदलने वाले नहीं है, लेकिन ये चुनाव ये तय करेगा कि जो 2023 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में 150 सीट लेके कांग्रेस की सरकार बन रही है, वो 170 सीट लेके कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये चुनाव ये तय करेगा। ये क्षेत्र पहले चित्रकूट क्षेत्र में आता था,
प्रेम भैया यहाँ से विधायक हुआ करते थे, ये सब जुड़ा हुआ क्षेत्र है। और ये क्षेत्र की जनता सब समझ चुकी है, शिवराज जी आपकी बातें समझ चुकी है, आपके पाप का घड़ा भर चुका है, आपने हजारों हजार लोगों के साथ नुकसान किया है। अभी बीच में इन्होंने एक अन्न उत्सव किया, उस अन्न उत्सव में एक थैला बांटा और गरीब आदमी को 10 किलो अनाज दिया, बड़े बड़े पोस्टर लगे, बड़े बड़े बैनर लगे और 10 किलो अनाज उन गरीब के खाते से काट दिया और उस झोले की कीमत 200 रुपए थी। आप इनकी नियत समझ लो, आप इनके इरादे समझ लो। अगर हम लोग सतर्क नहीं हुए तो हमारी पीढ़ी और हमारे बाद वाली पीढ़ी सिर्फ हमको ताना देगी कि आपकी गलतियों की वजह से आज जो भारतीय जनता पार्टी ने हमको झोला पकड़ाया था वो झोला लेके हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं। इसलिए आपको सतर्क होना पड़ेगा और इनको झोला पकड़ाना होगा कि अब आप झोला पकड़ के यहाँ से निकल लो, आपके पाप का घड़ा भर चुका है। इन्हीं शब्दों के साथ बोले कांतानाथ स्वामी की, बोले भरजुरा माता की, कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद नीलांशु जी, अपने ओजस्वी